उपमंडल बैजनाथ के गांव ताराघाट में मारपीट का मामले को लेकर पर्वतीय महिला अधिकार मंच बैजनाथ के नेतृत्व में घायल ज्ञानचंद के परिजनों ने दर्जनों ग्रामवासियों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय में आरोपी को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और धरना दिया। शनिवार को आयोजित इस धरने प्रदर्शन के दौरान ज्ञानचंद की भाभी का कहना है कि जब ज्ञानचंद अपने घर आ रहा था तो आरोपी भेट निवासी चमन कपूर ने मोटरसाइकिल से उतार कर अपने हेलमेट से उसके पति की बेवजह पिटाई कर दी, जिसके कारण उसके दांत टूट गए और नाक की हड्डी भी टूट गई है। उनका कहना है कि लड़ाई झगड़े का आरोपी चमन कपूर गांव में कह रहा है कि क्षेत्र में अब उसकी भाजपा की सरकार और प्रशासन है तथा उसे पुलिस कुछ नहीं कहने वाली। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी कह रहा है कि घायल के परिवार व गांव वाले जो बन सकता है उसे वे कर लें, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं गांव वालों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस किसी के दबाव में आकर चमन कपूर पर सही कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि झगड़े के बाद ही चमन कपूर को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था तथा उसी समय ज्ञानचंद के साथ चमन कपूर का भी मेडिकल करवाया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने चमन का मेडिकल नहीं करवाया और एक तरफा कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के बाद गांव में दहशत का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी पर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कि हम गरीब लोग काम करने चले गए था, उसने ऊपर से आया और एक लड़का पीछे से गाड़ी लेके आया मोटरसाइकिल। उसने उसको बोला कि हेलो मेरा स्टैंड लगा दो। उसने बोला कि नहीं मैं कैसे लगाऊं। उसने बोला कि बैंड का लोडा वो तो पढ़ लिखा था, एम ए बी ए तो किया था उसने, क्यों नहीं किया था? उसकी माँ कैसी है? उसको बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती है? तो उसने स्टैंड लगा दिया। फिर उसने पीछे वाला लड़का उतरा, उसने क्या किया जी हेलमेट से मारा उसको, और दो लड़के और थे, उसने क्या किया उसने भी उसको ऐसे ऐसे पीटा एक लड़के ने दूसरे ने हेलमेट से। तू चली जाओ, तू जाओ ले हमारे इंसाफ नहीं किया ना तो हम धरना देंगे इधर, बस हमने कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे इधर से, जाएंगे जाएंगे बस। अभी आपके लड़के चुके लाने, आपके लड़के चुके ले आने, हमने कैसे लड़के स्कूल भेजनी है, स्कूल लेके भेजनी लड़कियां, बच्चे की भेजने भेजना स्कूल ले। वहीं इस मुद्दे पर एसडीएम बैजनाथ डॉक्टर मुरारी लाल ने कहा कि पुलिस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि गांव में गश्त लगाई जाए ताकि गांव का माहौल और ज्यादा ना बिगड़ सके। उन्होंने ज्ञानचंद के परिजनों तथा गांव वालों से कहा कि जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी आरोपी पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से मतलब पुलिस से बात की है तो पुलिस बोलते कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही वो आगामी कार्रवाई करेंगे और तब तक एरिया में जो है वो शांति बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त लगाती रहेगी।